पर उस कोरोना काल के दौरान संदेश क्लासेस में नाम बहुत सुना था उस समय कि एक नया कोचिंग खुला है जो बच्चों का बहुत सिलेक्शन देता है और बहुत डेडिकेटेड टीचर है जो बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ उनके हर चीज़ से जुड़े रहते हैं, जिससे वो कभी लाइफ में डीमोटिवेट ना हो। मतलब एवरीथिंग जो एक बच्चे के लिए चाहिए, टेंशन, डिप्रेशन, पढ़ाई इस तरह लगना है, आपको हर तरह का सपोर्ट, मतलब बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी ना रहे, मैं ऐसा सब कुछ सुना था। तो मैं उस टाइम में ऑनलाइन क्लास चल रहा था संदेश क्लासेस का, तो संदेश क्लासेस को मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया और मैंने जैसा सुना था उससे कहीं अच्छा मतलब मुझे प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। फिर मैं संदेश क्लासेस में आया अगस्त 2021 में, जब यूपी ट्रिपल एससी पेट का पहली बार पेपर हुआ था। और जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ के टीचर की पढ़ाई, विपिन सर, प्रशांत सर, मैम जी, इन लोगों की पढ़ाई से मैं पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार, एक तरीका जो मतलब बच्चे के अंदर क्या भरना चाहिए, किस तरह उसको, मतलब यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता था जैसे लोग नहीं जाते हैं धर्म में, मतलब कैसे बोलते हैं कि मैं मंदिर में गया तो बहुत विद्या मंदिर तो है भी, तो बात है, तो उसी तरह यहाँ पे आने के बाद हर टेंशन दूर, हर डिप्रेशन दूर, एक नई हमको एनर्जी मिल जाती थी। मतलब डेली अगर मैं डीमोटिवेट होता था तो यहाँ पे आने के बाद मैं चार्ज होके जाता था, एक लत सी पड़ गई पढ़ाई की। और मैं जब यहाँ पे आया था मैं बहुत डिमोटिवेट था ड्यू टू इकोनॉमिकल ऑफ द फैमिली कंडीशन एंड मेनी थिंग्स कैरियर लॉसेस। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे सब कुछ ऐसा मिला कि मुझे फिर लगा कि मैं अब श्रिंक कर रहा हूँ, मतलब बोले तो मैं ऊँचा बढ़ रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे जब यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर दिया, मेरा बहुत अच्छा परसेंटाइल आया, अच्छा था 86.8 थे, क्योंकि मैं लेखपाल में मेरा एडमिट कार्ड आ गया था, तो अच्छा था, क्योंकि उससे एक ही पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल पे लेखपाल का पेपर हुआ था, मैं लेखपाल का मेरा एडमिट कार्ड आया था। तो मैं पेट ज्वाइन किया, पेट से मैंने क्लास संदेश क्लासेस ज्वाइन किया और फिर एक पढ़ाई की एक ऐसी लत पड़ी, एक ऐसा मोटिवेशन यहाँ से मिला, संस्कार मिला, यहाँ की सेफ्टी, मतलब एवरीथिंग, आपकी चीज़ों, जैसे कैमरा लगा, कैमरा लगा होता है, विदाउट कैमरा यहाँ पे बच्चों पे एक एक बच्चों पे नज़र रखी जा रही है, सब कुछ देख के मन, मतलब ऐसा टीचर के प्रति जो सम्मान भगवान की तरह आने लगा अंदर, पहले शुरू से भी सम्मान था पर पता नहीं अलग अलग एनर्जी मिलने लगी हमको। और मैं फिर 2021 में मैंने पेट दिया, फिर मैं 2022 में मैं 2022 पढ़ा, उसके बाद आया SSC GD का, फिर से SSC GD, इसके पहले SSC GD आया तो मैं नहीं भरता SSC GD, मैं इतना डिमोटिवेट था उसी से मैं बता रहा हूँ, मैं फॉर्म ही नहीं भरा SSC GD का 2021 वाला। फिर 2022 के दिसंबर में फॉर्म आया और सर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अंकुर आपका एज है। एक टीचर एक स्टूडेंट के पास फ़ोन करके अगर ये बोले कि अंकुर आपका एज, तो ऐसा नहीं है पर्सनली, मेरे जितने बच्चे यहाँ पे हैं सबके ऊपर सर का एक ही इक्वल फोन करके बोले अंकुर आपका एज है। और उसके बाद मैंने पूरा जोर लगा दिया, जितना मुझे यहाँ पे डेली के डेली 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे मैराथन चलते थे, मैं हर क्लास ज्वाइन किया, मैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर ग्राम बांध से आता हूँ, मैं डेली आता था और लगातार पढ़ाई करता था।